प्लानिंग आपको पता ही है, समझ आ रही है, प्लानिंग अपनी मनपसंद बेंच बनाई, पहले ऑर्डिनेंस निकलवाया गया ताकि जो है पूरी जबिल्लत के साथ काजी फैज ईसा साहब चीफ जस्टिस को जो है वो ताकतवर बनाया जाए ताकि मनपसंद अपनी बेंचेस बना सकें। उसके बाद ऑर्डिनेंस एक ही दिन में काबीना ने अप्रूव किया, एक ही दिन में सदर साहब ने उसकी जो है मंजूरी दी, एक ही दिन में काजी फैज ईसा साहब ने अपना बेंच वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बेंच की मीटिंग रख ली और अगले ही दिन उन्होंने जो है जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल बाहर फेंक किया और अमीनुद्दीन खान को उनकी जगह इंडक्ट कर दिया और मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा चिट्ठी लिखी उस पर और वो आज फसाना चल रहा है ना, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसमें बैठे हैं बेंच में, मुनीब अख्तर साहब भी वो अपना एहतजाज को ना है, लेकिन काजी साहब ने अफगान साहब को बीच में रख के और 5 रुकनी बेंच बनाकर और वो नजर आसानी की रिव्यू कर देनी है इन्होंने, इसलिए करनी है ताकि वो जो है उसका वोट काउंट किया जाए ताकि मंडी जो है बाजार खरीदो फरोख्त का उसको जारी और सारी किया जाए ताकि उनको ये जबिल्लत और ताकत दी जाए कि वो हमारे एमएनएस को उठा ले। उठा के बाद उसके बाद जिस मंडी का आप जिक्र करते हैं बार बार, ये मंडी से क्या मुराद है? मंडी से मुराद ये है कि एमएनए को उठा लेते हैं, उसके बाद अरबों रुपया उनको देते हैं रिश्वत के तौर पर कि तुम्हारी सीट तो जाएगी लेकिन तुम्हारी जो है दौलत से ये मुकद्दर तुम्हारा समझ जाएगा, और इसके अलावा जो है उसकी या माँ बहन बेटी या बहू उनको उठा लिया जाता है, उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर ये नहीं करोगे तो ये तुम्हारी जो है ये वीडियो बनाएंगे और ये करेंगे, तो उधर से उसको वो मजबूरी होती है, उधर से उसको चमक की रीत देते हैं, तो जर और जोर के तहत, जर और जोर पे ये मुल्क इस वक्त चलाया जा रहा है और मजीद जो है 2/3 इनको अक्सरियत चाहिए ताकि ये काजी फैज ईसा साहब को चीफ जस्टिस जो है उस अदालत का बनाए जिस अदालत में तमाम ताकत मरकूज होगी और बाकी ये ग्लोरीफाइड सेशन जजेस के तौर पर ये इसको मंसूर अली शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएंगे जिसकी अख्तियार आईनी मामलात में होगा ही नहीं सर, और इस तरह से ये अपनी जो है उस बंदे को भी जो है मुसल्लम रखेंगे, मुसल्लत रखेंगे 3 साल के लिए, उसको अपना मनपसंद फैसले लेंगे और जजेस भी अपनी मर्जी से बनाएंगे उस अदालत में, और ये बाकी है इसे खमीसे का आपका हमारा जो मामले हैं फैमिली डिस्प्यूट्स हैं कोई फौजदारी मुकदमात है वो ये सुनती रहेगी सुप्रीम कोर्ट, ये होने जा रहा है। क्या था माँ बहन बेटी को नहीं उठाया गया था, जो अगर हम अपनी माँ बहन बेटी बीवी और अपनी औरत का तहफ़ नहीं कर सकते तो हमें जिंदा रहने का ही हक नहीं है, फिर हम इंसान ही नहीं है, आप कमजोर की बात कर रहे हो। आप ये कह रहे हैं दूसरी जानिब साफियों की अगर बात कर ली जाए तो साफियों को गुज़िश्ता आपके पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, फिर भी साफी खड़े हैं, आज भी आपके वकला को कवरेज दे रहे थे भरपूर किस्म की, हम लोग तो फिर भी वहीं पे खड़े हैं, और इसके हवाले से वकला क्या साफी जस्टिफाई नहीं किया है कोई भी हुकूमत हो, वो जब साफियों के खिलाफ या कोई भी इंसानी हकूक को पामाल करती है तो वो मैं तो उस पर हमेशा जो है उसको कंडेम करता हूँ, और साफी आप लोग तो अपने जान के ऊपर खेल कर आप जो है साफत कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है शायबा नहीं है, मैंने ये मिसाल दी कि मैं खुदा ना करे खुदा मैंने तो कहा था कि इस तरह कोई मेरे घर में घुसाएगा तो मैं तो गोली मार दूँ, मैं तो उसको मार दूंगा, हाँ खुशा मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मैं अपना माँ बहन बेटी बीवी को अगर हिफाजत नहीं दे सकता, उनकी जान और माल और इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता, तो फिर मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है भाई। खोसा साहब ये बताएगा कि रियासत से ऐसी सियासत से भी बाज आए, ऐसी रियासत से भी बाज आए जी हाँ, आपकी इज्जत ना महफूज हो, शर्म आनी चाहिए जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें जो इंसानियत सोज इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये क्या अपने आपको मुहिब वतन कहते हैं, ये पाकिस्तानी या तो क्या इंसान कहलाने लायक भी नहीं है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। खोसा साहब ये बताएगा सिर्फ इख्तदार को तवालत देने की, अपनी इना अपनी जबिल्लत के लिए मुल्क को तबाह करके रख दिया है इन्होंने, दाव पे लगाया। खोसा साहब ये बताएगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और इस बेंच पर एतराज उठा रही है, साथ साथ जजेस के दरमियान लड़ाई भी जारी है, माजी में हमने देखा जस्टिस सज्जाद अली शाह को मुस्तफ़ी होकर जाना पड़ा था, क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई ऐसा धमाका होने वाला है जो मंसूर शाह के साथ जो दिग्गज जजेस हैं वो कुछ बड़ा करने वाले हैं? होना चाहिए, इनको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों अपना इस्तेकाक, हम तो इनके लिए लड़ रहे हैं, ये खुद भी तो अपने लिए करें, बिल्कुल हम चाहेंगे कि ये इनको जो है करना चाहिए, हम इनके साथ देंगे,
अगर इस तरह की बात ये करेंगे कि जी हम भी अदालत के जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने हमने भी हल्फ उठाया हुआ है, फुल कोर्ट करें बैठें और फिर जो हक की बात है, सच की बात है, जो अवाम की बात है, आइन की बात है, उस पर अमलदारी करें, चाहे वो अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ ही क्यों ना हो। अच्छा सर, ये जो आइनी तरामीम की बातें हो रही है, कहा जा रहा है कि जो ड्राफ्ट असल ड्राफ्ट है वो ताहाल मार्केट में नहीं आया और उस असल ड्राफ्ट में 70% जो तरामीम होनी है वो आर्मी से रिलेटेड है, तो क्या वाकई ऐसा कुछ है? अरे भाई, बनी रावल पिंडी में बन रही है ये सारी, पिंडी का ड्राफ्ट है, इनके इनको तो पता ही किसी को नहीं है कि क्या है ड्राफ्ट। पिंडी वाले ड्राफ्ट बना के भेजेंगे तो गुलामी कर रहे हैं ये हुकूमत। अब कितना गुलामी कर रही है, कारण ने कहा कि मुझे अभी तक ड्राफ्ट ही नहीं मिला, वो क्या उसमें तरामीम है फिर पिंडी वालों से पूछे या हुकूमत से पूछे, हुकूमत को पता ही नहीं है।